ये पांच पक्षी देते हैं आपको अमीरी का शुभ संकेत। अगर ये पक्षी आपकी छत पर आकर विश्राम करते हैं या फिर दाना चुगते हैं तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द आपका भाग्य चमकने वाला है और आपका अच्छा वक्त अब शुरू होने वाला है। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि ये पांच पक्षी किस्मत वाले व्यक्ति के घर ही जाकर दाना चुगते हैं। वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है जिसके घर पर ये पक्षी विश्राम करते हैं या फिर अपने रहने का आशियाना बनाते हैं। इन पक्षियों की पहचान होना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर ये पक्षी किसी के भी छत पर आकर बैठते हैं तो वह व्यक्ति जाने अनजाने में इन पक्षियों को डराता है या फिर इन्हें मारता है तो इससे भगवान उस व्यक्ति से क्रोधित भी हो सकते हैं, जिससे उसे कई बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ये पक्षी आपके जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आते हैं। जिस भी घर की छत पर आकर ये पक्षी बैठते हैं या फिर घर में अपने रहने का आशियाना बना लेते हैं तो उस घर के जातक को यह समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी उससे प्रसन्न है और बहुत जल्द उनके घर में आगमन करने वाली हैं। इन पक्षियों को देखना मतलब स्वयं भगवान विष्णु को देखने के समान माना जाता है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वे पंछी जो आपको देते हैं आपके अच्छे समय का संकेत। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल द राज वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर एक, तोता। दोस्तों, तोता बहुत ही शुभ संकेत लेकर चलता है। अगर तोता आपके घर में आते हैं और बैठकर आपकी छत में आराम करते हैं और आपके द्वारा दिया गया दाना पानी चुगते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। इससे आपको यह पता लगता है कि आपका जीवन बहुत जल्द ही बदलने वाला है और आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। पुराणों में तोते को बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए कई लोग अपने घर में तोते को पालते भी हैं। जिस घर में तोता होता है उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। अगर तोता आपके घर में कहीं पर भी अपना घोंसला बना लेता है तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि अब ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको सफल होने से रोक सके। ऐसे में आपको तोते के लिए दाना पानी जरूर रखना है, इससे भगवान भी आपसे प्रसन्न होंगे और आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। नंबर दो, नीलकंठ पक्षी। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का प्रतीक होता है। वे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी छत पर नीलकंठ पक्षी आकर बैठते हैं और उनके द्वारा रखा गया दाना पानी चुगते हैं। नीलकंठ एक ऐसा पक्षी है जिसके देखने भर से व्यक्ति के सभी दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वैसे तो नीलकंठ पक्षी जल्दी किसी को दिखाई नहीं देते और ना ही किसी के घर पर आते हैं, लेकिन अगर यह किसी के घर पर आ जाएं तो यह भी तय हो जाता है कि बहुत जल्द उस व्यक्ति का भाग्य बदलने वाला है। नीलकंठ पक्षी का घर पर आना आपको यह बताता है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बहुत जल्द बरसने वाली है। नंबर तीन, गोरैया चिड़िया। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जो गोरैया चिड़िया होती है उसे भगवान राम के घर भी देखा गया है। शास्त्रों में इसका वर्णन बहुत ही विस्तार से मिलता है। राजा दशरथ स्वयं इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक मानते थे। गोरैया चिड़िया का घर में आना या फिर अपना घोंसला बना लेना साक्षात माता लक्ष्मी के आपके घर में आने जैसा है। यह पक्षी अगर आपके घर में आकर दाना पानी खाता है तो आपको यह तुरंत समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और बहुत जल्द आपके घर में आगमन करने वाली हैं। अगर ये पक्षी आपके घर में घोंसला बना लेता है तो आपका जीवन बहुत ही जल्द बदलने वाला है। नंबर चार, कौवा। हमारे वेदों और पुराणों में ऐसा वर्णित है
कि कौवा अगर आपकी छत पर आकर बैठता है या फिर आपकी छत पर कोई सामान छोड़कर चला जाता है तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपके साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता। आपके घर में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। कौवे को दाना पानी खिलाने से व्यक्ति की मृत्यु टल जाती है। जो व्यक्ति कौवे की सेवा करता है उस व्यक्ति के गुण कौवा अनंत काल तक गाता है। अगर आपकी छत पर भी कौवा आकर बैठता है तो आपको उसे भगाना नहीं चाहिए बल्कि उसे खाने को दाना पानी देना चाहिए। कौवे को पितरों का प्रतीक माना जाता है। कौवे की सेवा करना मतलब स्वयं शनि महाराज की सेवा करना। अगर आप कौवे को खुश कर देते हैं तो आपके राहु और केतु शांत हो जाते हैं और शनि देव की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। नंबर 5, कबूतर। घर में कबूतर का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस व्यक्ति के घर में कबूतर आकर अपना रहने का आशियाना बना लेते हैं तो उसे तुरंत समझ जाना चाहिए कि उसका भाग्य अब उदय होने वाला है और उसके बुरे दिन अब जाने वाले हैं। कबूतर का घर में घोंसला बनाना बहुत शुभ माना जाता है। यह पक्षी जब भी किसी के घर में आता है तो बहुत ही अच्छे भाव लेकर आता है। यह पक्षी लोगों को उनके अच्छे वक्त का संकेत देता है और अपने साथ बहुत ही शुभ संकेत लेकर चलता है। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। वास्तु शास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।